किस बात के दुश्मनी निकाल दो। आपको सेब खाना, रोटी नहीं खानी आपको भी? आपके लिए पराठा बनाया ना आलू का। सिर्फ सफेद मुर्गा खाती है, कश्मीरी लाल मिर्च करके लाल करके ले लो, ले लो। टेस्ट खराब करा दिया। चिप्स ये ना अजवाइन और मेथी दाने का जो पानी है ना, उसमें मैंने ग्रीन टी बनाई। अब नया ड्राइवर आ गया, चलाओ चलाओ। कोई हल्की पड़ोसी बोल दे। अरे कोई मतलब कोई, जैसे और कोई यहाँ पे। हाय गाइस, कैसे आप सब? सो क्या फिर रोटी यहाँ रखते? अच्छा ले जा रहे। ना 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 ना। आपको सेब खाना, रोटी नहीं खानी आपको भी? आपके लिए पराठा बनाया ना आलू का, नहीं खाना आपको? मुंह कहाँ से क्या लतर पतर आपने, गंदा कहाँ से क्या मुंह? बाल देखो आपने, नहीं 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 करी आपने, नहीं। सो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, एंड अभी देखो कोई यहाँ पे रोटी सब्जी खा रहा है, रायता मस्त सब्जी कटहल की। पड़ोसी बोल दे। अरे कोई मतलब कोई, जैसे और कोई यहाँ पे आलू का पराठा बनाया किसी के लिए, ठीक है? लेकिन मैं क्या खा दिखाती हूँ आपको। ये बोलना चाह रही का खा गा गाना, लय में जाना है। बोल बोल का खा गा गाना, बोलो का खा गाय। अड़ा कौन बोलेगा गाना? का खा गा गाना, का खा गा। अभी का खा गाय। फ्रूट्स तो नाश्ते में मेरे पास ये फ्रूट्स ही हैं। तीन चार दिन हो गए हैं, आई थिंक चार पांच दिन हो गए होंगे, है ना? तीन दिन है मंडे से बेसिकली प्रॉपर। थोड़ी मैंने डाइटिंग शुरू की है, जिम वगैरह जा रही हूँ, को ब्रेकफास्ट में से हल्का देती हूँ। वैसे मैं नाश्ता करती नहीं थी, कभी कर लिया तो कर लिया, बहुत रेयर। अभी जिम से आ गए ना, काफी थकान लग जाती थी, ग्रीन टी लेती, उसके बाद एप्पल ऑरेंज खा लेती हुई है, पाइनएप्पल होता है, पाइनएप्पल भी पड़ा है मेरे पास, मैं भूल गई थी पाइनएप्पल मैं खाऊंगी। इसी बार थोड़े से फ्रूट्स अंदर जाते हैं, क्योंकि फ्रूट्स फिर खाती हुई इतने सारे ला के रख देती हूँ, इतने पड़े रहते हैं घर में दोनों जगह, बट खाने को राजी नहीं रहते हमको। इसी बार खत्म भी हो जाएंगे, खा भी लूंगी। मुझे ऐसे हेल्थी खाना खाते देखना ब्लॉग में बहुत ही रेयर चीज नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो मैं नूडल्स ही खाती रहती हूँ हमेशा। तो गाइस अभी मैंने बनाई है खिचड़ी गुन्नू के लिए, मूंग दाल और मसूर दाल और अरहर और चने की, अरहर चना से नाम का डाला बहुत, मूंग और मसूर मैंने डाली बेसिकली घी में भुना के, बिना प्याज के। टमाटर मैंने डाले हैं, ये देखो बाप रे। ये देखो इसकी सफाई खत्म नहीं हुई आज, पोछा अच्छे से नहीं लगा तो मेरी लड़की मार दिया पोछा। अरे यार कितनी आवाज कर रही है, बच हो गई सफाई, बच इधर देखो। आहा तो कनिका तो हमारी रेडी हो गई है। तो हम रेडी होके कहाँ जा रहे हो कितनी? तो हम ना मैं कहने वाली थी, तो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं मेरी डाइटिंग है। क्या हंस गए तू? नहीं मैंने पकड़ लिया। तो गाइस अभी ना मेरे हस्बैंड आराम से रेस्ट कर रहे थे, मुझसे देखा नहीं जा रहा था, पता नहीं क्या क्या आ गए। तो मैंने कहा इनको चलो बाहर चलते हैं कहीं घुमा के लेके आओ, तो ये मान गए। और कहाँ घुमाने के ले जा रहे, मैं कार में बैठ के आपको दिखाती हूँ, दिखाती हूँ बताती हूँ मतलब। हाँ उसके बाद तो ब्लॉग में देखोगे भी। अभी चलते हैं, गुन्नू और मम्मा तो रेडी है ना गुन्नी? आज गुन्नू की छुट्टियाँ बनाई है मैंने, पोनी टेल जिसकी टेल शुरू हो गई खत्म हो रही है, और ठीक है। एंड आज मैंने भी अपना पुराना वाला हेयर स्टाइल बनाया जो हाफ पोनी टेल में बनाती हूँ। गाड़ी की चाबी, गाड़ी चाबी बैग में हो गया देखो। हाँ एटीएम ले चलो फिर, देखा कितना सही उठाया मैंने तुम्हें। जूस पियोगे?
हाँ पियेंगे, मैंगो शेक भी लेंगे या स्ट्रॉबेरी शेक भी लेंगे? करेला शेक पियेंगे, मैंगो शेक। तेरे पापा करेले, हमको करेला जूस पिलाएंगे। कैसे कर रहा है? कैसे? आ जा। बाय। बस बाय बोलना था। का? पापा की गाड़ी कहाँ है? पापा की वहाँ है? उसको सब पता है। ये देखो। ओरी। बाय, सबको सगियों को बाय करते हुए जा रही है। अरे ये ना रो रही थी एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ सामने झूला वाला पार्क गए थे, ये कह रही यार गाड़ी में क्यों बैठ रहे हो, पार्क में क्यों नहीं जा रहे हो, मतलब ये मन में ऐसे कह रही थी। तो ये रोने लगी, इसको झूला झूलने जाना था पर नहीं आते समझ रहे। अच्छा अच्छा, वहाँ कबाड़ी वाला आ रखा ना, इसलिए नहीं गए बाबू। तो गाइस गुन्नू के पापा कह रहे हैं कि तुझे, जैसे कि आपको पता है अभी मैं थोड़ा फिर से जैसे पहले करती थी थोड़ा सा डाइटिंग पे ध्यान देने लगी हूँ, तो उन्होंने कहा करेले का जूस तुझे पिलाने या कोई भी सब्जी का जूस तुझे पिलाने के लिए ले जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद चल मैं तेरे को तेरी मनपसंद चीज भी खिला दूंगा एक तो, लेकिन पहले जूस पीना पड़ेगा, और हो सके तो करेले का पिएगी तो और भी बेस्ट है। सो लेट्स सी, पी लेते हैं, उसके बाद अपनी एक मनपसंद चीज मेरे दिमाग में, जैसे उन्होंने कहा ना तेरी मनपसंद चीज खिलाऊंगा, तो दो चीजें मेरी जुबान में आई और दो में से मैं डिसाइड कर रही हूँ कि कौन सी मैं चीज लूंगी। सो लेट्स सी, अभी हम निकल गए हैं घर से, तीनों के तीनों, हम तीन हैं और हम ही तीन हैं बस। ए गन्नी तू भी तो आ जा, क्या कर रही है खिड़की में? गन्ने का जूस पिएगी, छेड़ रहे खाली, गन्ने का जूस पिएगी। क्या बात, क्या बात, कौन दे तेरे पापा गन्ने का जूस पिला रहे हमको जान बुझ के? अच्छा खिड़की कौन ले है? आगे हम जूस पीने, लोग ब्लॉग देखे लोकेशन पहचानते होंगे, नहीं पहचानते होंगे पता नहीं है। करेला होगा, ये मेरा घर था पुराना वाला है। अगर करेला नहीं हुआ तो फ्रूट जूस पी लेंगे, मौसमी वगैरह बता, वो खानी चाहिए, जूस पीना नहीं चाहिए फलों का। तो शेक पिला देना, हट तो, चल तो हट, खोलूंगी दरवाजा, मिक्स बनाया करेले की क्वांटिटी ज्यादा बोली डालने के लिए। दो भैया पियो, कैसा हो रहा है? हाँ तुमको तो करेला वगैरह पसंद है, कम है, इनकी बात मत मानो। कलर फूल सब्जियाँ खानी, लाल लाल पीली चिट्ठी और हरी। कसम सफेद मुर्गा खाती है, कसम लाल मिर्च करके लाल करके, इसे ठीक हो रहा लग रहा है इसलिए खा रहे हो क्या? टेस्ट मैं सकता हूँ, खट्टा होता है यार, कड़वा भी होता है, पता नहीं मेरे तो। इसके पानी पियो कितना मीठा लगता है, मैं खाऊं? अरे यार क्या क्या खिला रहे हो आज के दिन, किस बात के दुश्मनी निकाल रहे हो? गुन्नू इसको खिला दो, गुन्नू को कहा चलना है? अब क्या खाना है बता दो। अब मेरी फेवरेट चीज दो चीज है, पर एक छोड़ दे चलो, उसमें ज्यादा ही मैदा वगैरह है जो कि पिज्जा, उसको साइड करते हैं, थोड़ा सा हेल्दी वे में जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा बिरयानी खिला दो यार। चिकन ओके, सामान नॉन वेज खाती है तू? कहाँ खाती है, मैं वीडियो में वेज की ज्यादा बनाती हूँ ना, सबको पता है यार, मेरे चैनल पे जाके देख लेना,
मैं वेज वीडियोस ज्यादा बनाती हूँ। हाँ जब चिकन खाती थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में खाती हूँ, बट फिर भी डेली डेली तो नहीं बनाती ना मैं नॉन वेज वीडियो। चलो चलो चलो, हमारे दोनों गाजर खा रही है। अब नया ड्राइवर आ गया, चलाओ चलाओ। अरे इसलिए ड्राइवर आ गए। व्हाइट ही खानी है ना उधर से? हाँ व्हाइट नूडल्स। थैंक यू। बिरयानी घर पहुंचते खाई मैंने गरम गरम बिरयानी। अरे वाह क्या बात है ये। प्याज हरी डाल देती हूँ, हरी हरी दी। ग्रेवी भी देते हैं, ग्रेवी भी नहीं दिया आज उन्होंने बताया। साथ में अपनी चिप्स अच्छा क्या चिप्स पावर पता है किसी भी चीज के साथ खाओ तो। ये रहा मेरा खाली तैयार हो गया, इसको देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चिकन जितना स्वाद जूस पी के खराब होता है ना, उसे खा के एकदम उतना ही बढ़िया हो गया। पर किस चीज की कमी लग रही है पता, किस चीज की? लाल चटनी देना से थोड़ा सा प्लेन टेस्ट आया, तो अच्छी हो रही है, बट फिर भी फर्स्ट टाइम को तीखा खाने का मन है। अचार ले लिया मिर्च का। दे दे अम्मा मेरी। आज बालकनी अच्छे से साफ कर रही थी मैं, उस लड़की को देखो दे ही नहीं दिए भाई। एक घंटा हो गया मैंने कहा, मेरे को गुस्सा आ रही है गुन्नी सच में यार, इसको साफ करना है। दे नहीं रही, जैसे ले रही हूँ ना वाइपर इतनी जोर जोर से चिल्ला रही, इतनी जोर जोर से चिल्ला रही नहीं कि मतलब ले ही नहीं सकते। गुन्नो मम्मा को दे दो, मम्मा को दे दो बाबू। मिट्टी सारी मिट्टी मिट्टी यहाँ हो रही है, सब अच्छे साफ करना है। ले लो मैं एक बार ले लो, आपको दूसरा दूंगी, ले लो ले दो। गिरेगी और हाँ जैसे तैसे मैंने इससे ओह पानी के ले लो आप पानी मिलना। जैसे तैसे मैंने इसे वाइपर लिया, वहां सफाई करी, और अभी रात का टाइम हो गया है, सारे कपड़े भी इसने से नाश मार दिए थे ना अपने कपड़ों का। एनीवेज गाइस, तो मैंने बिरयानी खा ली थी, मैं वन टाइम मील इन अ डे वाली डाइट पे चल रही हूँ, मेड डाइट पे मैं चल रही हूँ, तो मैंने आज बिरयानी खा ली थी जो मैं एक टाइम की जो मेरी मील है उसमें, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया और मतलब मेरे को ठीक ठाक लग रहा है, भूख सी लग भी रही है, तो अभी मैंने कंट्रोल करने की कोशिश करी जितना हो सकता है नहीं खाना है। तो अभी मैं बैठी हूँ, मैं ग्रीन टी ले रही हूँ, तो एक ग्रीन टी ले ली है, नहीं सिंपल ग्रीन टी नहीं है इसमें, ये ना अजवाइन और मेथी दाने का जो पानी है ना उसमें मैंने ग्रीन टी बनाई है, उसका पानी आजकल मैं पी रही हूँ तो था, मैंने बोला इसी में बना लेती हूँ। तो गाइस मैं कर रही हूँ अपने दिन का और इस ब्लॉग का एंड, अभी हम वॉक पे गए थे, वॉक से जस्ट आए हैं एंड मुझे ना थोड़ी थोड़ी भूख मतलब थोड़ी नहीं ज़्यादा ही लगने लगी थी तो मैंने बनाई गुड़ वाली चाय और साथ में बिस्किट ले रही मैं एक दो, जो कि गुन्नू फैला रही है यहाँ पे। तो ये सीएनसी और मना को मैंने लिए हैं बिस्किट, जो कि मुझे खाने देगी या नहीं। क्या कर रहे हो ये, आटा गूंथ रहे हो क्या? एंड अब मैं फिर से अपनी ओमेड डाइट को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि अब गुन्नू थोड़ी बड़ी हो गई है, अन्न खाने लग गई है, तो उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मेरी भूख बढ़ गई थी और बहुत खाने लगी थी। चलो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय।